वेलकम फ्रेंड्स टू आराध्या आरएएस एकेडमी। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक एंड शेयर। फ्रेंड्स आज अपन बात करेंगे वो है राजस्थान के मंदिर स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण प्रश्न जो अभी तक परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं, चाहे वह कॉलेज विख्याता हो, आरएएस या सेकंड ग्रेड, एसआई या पटवार। सभी परीक्षा के अंदर जो मंदिर स्थापत्य कला से जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो अपना पहला प्रश्न है, बारह देवरा नामक शिव मंदिर स्थित है। जो बारह देवरा नामक शिव मंदिर स्थित है वो कहाँ पर है? तो देखो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अभी यह प्रश्न पूछा भी गया था, कोई एग्जाम था अभी उसके अंदर प्रश्न पूछा भी गया था और महिला पर्यवेक्षक 2015 के अंदर यह प्रश्न और पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बारह देवरा जो नामक शिव मंदिर है वो कहाँ है? जहाजपुर, भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है जहाजपुर, वहाँ है बारह देवरा का मंदिर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थित है। तो राजस्थान में चुंगी तीर्थ कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। राजस्थान में चुंगी तीर्थ कहाँ है? जैसलमेर में। अगला प्रश्न देखो, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है? तो सबको पता है ये दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, माउंट आबू के अंदर। माउंट आबू के अंदर विमल वसई ने निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, चूहों का मंदिर नाम से मशहूर करणी माता का मंदिर कहाँ है? तो ये सबको पता है कहाँ है, बीकानेर के अंदर है, देशनोक बीकानेर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में मेवा नगर प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में मेवा नगर प्रसिद्ध है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो मेवा नगर में पार्श्वनाथ जैन मंदिर है, इसलिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पार्श्वनाथ जैन मंदिर। अगला प्रश्न देखो, बांडोली के मंदिर किस शैली से संबंधित है? जो बांडोली का जो शिव मंदिर है वो किस शैली से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचायतन शैली। कौन सी? पंचायतन शैली। अगला प्रश्न देखो, कुशाल माता का भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। कौन सा मंदिर? कुशाल माता का। तो वो कहाँ पर स्थित है? यह आरपीएससी थर्ड ग्रेड के अंदर प्रश्न पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बदनोर। कहाँ पर है? बदनोर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में है? तो प्राचीन जो पांडुपोल मंदिर है वो किस जिले के अंदर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलवर। क्या हो जाएगा? अलवर। आगे देखो, अगला प्रश्न है अपना, रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? जो अपना रंगनाथ जी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये सबको पता होगा रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है। तो इसका सही उत्तर है पुष्कर के अंदर, पुष्कर के अंदर रंगनाथ जी का मंदिर है। अगला प्रश्न देखो, मंदिर स्थापत्य की मिश्रित शैली कहलाती है। जो मंदिर स्थापत्य की मिश्रित शैली क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेसर शैली, बेसर शैली। आगे देखो, अगला प्रश्न है अपना, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति किसने स्थापित करवाई थी? नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है वो किसने स्थापित करवाई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज सिंह प्रथम ने। किसने? राज सिंह प्रथम ने। अगला है, मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदन मोहन जी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो करौली के अंदर मदन मोहन जी का मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, सास बहू का मंदिर कहाँ है? तो सास बहू का मंदिर सबको पता है, आरएएस के अंदर प्रश्न पूछा गया था, सास बहू का मंदिर कहाँ है? तो यह नागदा के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखो, जोधपुर के निकट ओसिया के मंदिरों की समूह की देन किसकी है? जो ओसिया के जो मंदिर है वो किसकी देन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजर प्रतिहार। गुजर प्रतिहार शासकों ने ओसिया के अंदर
जो मंदिर बनाया था, सच्चियाई माता का मंदिर है, आदि अनेक और मंदिर बनवाए थे उन्होंने। अगला प्रश्न देखो, बेणेश्वर धाम किस जिले के स्थित है? तो बेणेश्वर धाम मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? तो बेणेश्वर धाम मंदिर है वो डूंगरपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखो, किराड़ू के मंदिर किस जिले में स्थित है? तो किराड़ू के मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? जो बाड़मेर के अंदर स्थित है, और बाड़मेर में कहाँ है? आसोत्रा बाड़मेर के अंदर। अगला देखो, पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के अलावा राजस्थान में ब्रह्मा जी का दूसरा मंदिर कहाँ स्थित है? पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के अलावा राजस्थान में दूसरा मंदिर कहाँ स्थित है? तो आसोत्रा बाड़मेर के अंदर स्थित है, और तीसरा मंदिर अभी बन रहा है वो है बांसवाड़ा के अंदर। तीसरा मंदिर बांसवाड़ा के अंदर बन रहा है ब्रह्मा जी का। पहला तो है अपना पुष्कर अजमेर में, दूसरा है आसोत्रा बाड़मेर में, और तीसरा है बांसवाड़ा के अंदर। अभी देखो अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, मशहूर विमल शाही व लूणवसई मंदिर कहाँ है? तो अभी बताया था आपको, जो माउंट आबू के अंदर जो रणकपुर देलवाड़ा जैन मंदिर है, सॉरी रणकपुर नहीं, देलवाड़ा जैन मंदिर है, तो वो किसने बनाया था? विमल शाही और लूणवसई ने। तो कहाँ पर मंदिर स्थित है? तो आबू पर्वत पर। आबू पर्वत पर इसका सही उत्तर हो जाएगा एक। अगला प्रश्न देखो, रणकपुर का जैन मंदिर निर्मित कराया गया था, जो रणकपुर का जो जैन मंदिर था वो किसने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धरणक शाह, जो कुंभा के मंत्री थे, महाराणा कुंभा थे, उनके मंत्री थे धरणक शाह। इन्होंने रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखो, रणकपुर के जैन मंदिर का मुख्य शिल्पकार कौन था? जो रणकपुर के जो जैन मंदिर है उसका मुख्य शिल्पकार कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देपाक। क्या हो जाएगा? देपाक। अगला प्रश्न देखो, माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर उत्तम उदाहरण है, तो दिलवाड़ा मंदिर है वो किस स्थापत्य कला से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जैन स्थापत्य कला से। क्या हो जाएगा? जैन स्थापत्य कला से। अगला प्रश्न देखो, 2200 प्रश्न है, गोडवाड़ सिरोही, क्या है? गोडवाड़ सिरोही मेवाड़ आबू गुजरात के जैन धर्म के एक तीर्थकार ने जीवंत स्वामी स्वरूप का परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई, यह जीवंत स्वामी तीर्थकर कौन से हैं? आरपीएससी थर्ड ग्रेड के अंदर प्रश्न पूछा गया था। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, गोडवाड़ सिरोही आबू मेवाड़ व गुजरात में जैन धर्म के एक तीर्थकार के जीवंत स्वामी स्वरूप के परिचायक मूर्तियां सर्वाधिक संख्या में निर्मित हुई, यह जीवंत स्वामी है। तो तीर्थकर कौन सा था वो बताना है अपन को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी। कौन से तीर्थकर है? महावीर स्वामी। अगला प्रश्न देखो, बूढ़ी तीत, ठीक है, बूढ़ा दीत सूर्य मंदिर स्थित है, तो अपन को यह बताना है जो बूढ़ा दीत सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिगोद। कहाँ है? दिगोद। आगे देखो, 2400 प्रश्न है, महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षण थे, जो महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक कौन थे? तो इसको सबको पता है, जो महामारू मंदिर शैली है वो गुजर प्रतिहार की थी। किसकी थी? गुजर प्रतिहार की। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस मंदिर स्थल से अर्धनारीश्वर प्रतिमा प्राप्त हुई? कॉलेज विख्याता 2014 के अंदर भी प्रश्न पूछा गया था, और 16 के अंदर भी। जो अर्धनारीश्वर प्रतिमा प्राप्त हुई है वो कहां पर हुई है ये बताना है अपन को। तो
पच्चीसवा प्रश्न है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आबानेरी। कहाँ पर पड़ता है आबानेरी? दोसा के अंदर। 26वां प्रश्न है, 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है, तो 10वीं शताब्दी का जो अंबिका मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है ये बताना है अपन को, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगत में। कहाँ है? जगत में। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? ये जो सारे प्रश्न है ये किसी न किसी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं अभी तक, तो सोमेश्वर मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किराड़ू बाड़मेर के अंदर। क्या हो जाएगा? किराड़ू बाड़मेर के अंदर। 28वां प्रश्न देखो, राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। यह प्रश्न है, ये आरएएस जो प्री 2016 का पेपर हुआ था उसके अंदर यह प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार के काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए, तो ये इसका तो सही उत्तर हो जाएगा। देखो पहले तो आहड़ का बराज आदिब्राह मंदिर, कौन सा है? आहड़ का आदिब्राह मंदिर, बिल्कुल सही है। आबानेरी का हरसत माता मंदिर, बिल्कुल सही है। राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर, बिल्कुल सही है। ओसिया का हरिहर मंदिर, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब चारों सही है, 1 2 3 4 सारों सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 सही। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर की तिथि है, जो शीतलेश्वर महादेव है जो जिसका सबसे प्राचीन मंदिर है उसकी तिथि बतानी है अपन को, जो जेएन के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था, सॉरी महिला पर्यवेक्षक टीएसपी के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 689 यानी कि 690 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 689 ईस्वी। अगला है, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? तो अपन को यह बताना है, जो भूमिज शैली है इसका सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, पुराना मंदिर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर। जो पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर है वो भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है। अगला प्रश्न देखो, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आप सभी को पता होगा, जो वसुंधरा राजे सिंधिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये इस मंदिर के अंदर बहुत बार ही जाती रहती है, तो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है। अभी चुनाव आएगा तो देख लेना, अभी एक दो बार जरूर जाएगी। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ है? बांसवाड़ा के अंदर। अगला प्रश्न देखो, शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? किस किले में स्थित है? जिले में नहीं, शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? तो अपन को यह बताना है, शिला देवी का मंदिर कौन से किले में स्थित है? तो देखो जयपुर में स्थित है, और जयपुर के अंदर एक ही आता है इसके अंदर, कौन सा? आमेर का किला। आमेर का किला, तो आमेर के किले के अंदर जो शिला देवी है इनका मंदिर है। अगला है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर आबानेरी का हरसत माता मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली से बने हैं? देखो ये प्रश्न अभी आरएस 2016 के अंदर भी पूछा गया था और अभी वापस पूछ लिया, ये 2014 के अंदर और पूछा गया था ये, अब देखो थर्ड ग्रेड के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार वंश ने ही किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आबानेरी का हर्षित माता मंदिर का निर्माण करवाया था, और भी अनेक महामारू जो शैली से संबंधित है वो सभी के सभी गुर्जर प्रतिहार शासकों ने करवाया था। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसके ऊपर क्लिक जरूर करना, ताकि आपको
सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और अभी सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम की डेट आ गई है, राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम, राजस्थान पुलिस SI की डेट आ चुकी है और पटवारी की भी एग्ज़ाम अभी बहुत जल्दी होने वाली है, फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। जेल प्रहरी की परीक्षा है दोस्तों, अभी लग जाओगे तो लग जाओगे, फिर अगर एक बार चुनाव हो गए तो फिर गई 4 साल की। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।